वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ। जी हाँ, तीन आइडेंटिटीज होती है बेसिक आपकी, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है आपकी cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी सिंपल ये तीन प्रॉपर्टीज जो तीन आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिक से फॉर्मूले भी यही होते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा यूज होंगी ये चीजें आपकी जहां भी आप पढ़ेंगे ट्रिग्नो में जितना भी क्वेश्चन में, तो इनका प्रूफ भी आता है पेपर में। तो आपको आज मैं इनका प्रूफ बताना है, बहुत सिंपल प्रूफ है। तो पहले मैं आपको पहले का प्रूफ बताता हूं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है वैसे। तो मैं आपको फर्स्ट प्रूफ बता देता हूं पहले, तो आपको पता ही होगा। पहले मैं यहां लिख देता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें क्या लाना है, वन लेके आना। ये आपको प्रूफ करना होता है। तो आपको पता ही ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो यूज करते हैं कौन सा ट्राइंगल यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल उठा लीजिए सबसे पहले, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी एबीसी और ये 90 पे आपने एंगल बना लिया। और मान लीजिए भाई थीटा एंगल जो है वो सी है, सी मान लेते बेसिकली थीटा माना, तो इसके सामने वाला जो है साइड है वो परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेन्यूस और आपका बेस। बार-बार नहीं, आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो गया और बेस आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपको पता ही पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का है आपका अल्फा में यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी का स्क्वायर और बेस क्या आपका बी सी का स्क्वायर। बस ये चीज आपको पता होना जी फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम रख दी। बस यहीं से आप स्टार्ट हुआ जो कुछ। साइन थीटा होता है क्या आपको पता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको सिंपल है, आपको इसी में देखो हाइपोट दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है हाइपोटेनियस आ रहा है। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है दोनों में एसी है, तो भाई यहाँ पे एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय एसी स्क्वायर, या फिर इक्वेशन बस तो एसी स्क्वायर से दी हो जाएगा आपका एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। डिवाइड करने का रीजन आप समझ ही गए होंगे, हमें साइन थीटा लाना था और कॉस थीटा लाना था। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और आपका कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों के अपॉन हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे जरा ध्यान से, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन बचा। ए बी अपॉन ए सी दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेकर मैं अलग अलग इसलिए था, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और आपके बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखेंगे ए बी यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये बी सी, बी सी क्या आपका बेस और ये ए सी क्या आपका हाइपोटेनियस, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो मैं इसको और करके लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखने का मतलब ऐसा होता है अगर आपने ऐसे लिखा ना इसका होल स्क्वायर ही लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो या साइन थीटा होल स्क्वायर एक ही बात है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, आप ध्यान से देख सकते हैं हमें क्या चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई प्रूफ। आया समझ में? अब इसके बाद मैं आपको सेकंड, ये सिंपल था इसमें बस मुझे हाइपोटेनियस से डिवाइड किया मैंने और कुछ आंसर आ गया मेरा। अब दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी जो होती है आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन से वो प्रूफ करके बता दूंगा, बस यहां पे देखें सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा आपका होता है, सेक थीटा आपका होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है बेस। तो समझिए हम किससे डिवाइड करना है, बेस से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको अभी हटा के यहां से इतना आपको समझ ही होंगे, इसमें जो आ रहे हैं यहां पे आपने किससे डिवाइड किया था पहली इक्वेशन, यहां तक सभी में सेम करना है। यहां पे आपने क्या करा एसी से डिवाइड करना, बेस क्या है यहां पे बीसी है,
बीसी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको जाएगा बीसी स्क्वायर। डिवाइड करें क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, ए सी अपॉन बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा वन। ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है हाइपोटेनियस, बी सी क्या है बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा, तो आपको जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर बेस और आपका बी सी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है टेन थीटा और इक्वल टू वन। तो और करके क्या लिख सकते हैं आप इसको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ सिंपल। तो इसमें हमने क्या किया, हमें दोनों के अपॉन में क्या चाहिए था बेस चाहिए था, तो मैंने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सिंपल था। यह आपका दूसरा प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ भी यहीं से खत्म करेंगे हम। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होती कि नहीं होती, यही होती है। कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दोनों के अपॉन में क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, तो किससे डिवाइड कर देंगे परपेंडिकुलर से, क्या है परपेंडिकुलर ए बी, तो पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी आपकी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर क्या हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ए सी क्या है आपका हाइपोटेनियस, ए बी क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है आपका हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो इसको डायरेक्ट, ये हो जाएगा वन प्लस बी सी अपॉन ए बी, मतलब आपका बी सी क्या है बेस, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। हो गए तीसरा भी प्रूफ। तो ये तीनों प्रूफ थे एक ही डेरिवेशन एक ही चीज से हो गया, सिर्फ सिंपल क्या था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का सिस्टम था बस। तो आपको ये चीजें समझ में आई गई होंगी, तो इसी के साथ आपका ये फिनिश होता है। तो आगे के वीडियोस में और मैं ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े चीजें लेके आने वाला हूँ। सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।